पॉलिसीज पे बेस्ड नहीं है, नैतिकता पे बेस्ड नहीं है, ये एक किस्म से ठगबंदर है। क्योंकि चुनाव में बीजेपी तो कहती थी हम 75 पार करेंगे और जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। चुनाव हो गया तो दोनों यार बन गए अपने उसके लिए, हरियाणा को ठगने के लिए। और ये उसी समय मैंने कहा था ये गठबंधन मौका प्रस्ती का गठबंधन है, स्वार्थपूर्ण है, हरियाणा के हित का नहीं है, जनहित का गठबंधन नहीं है। और वो आज एक बात साबित हो गई। और इस मामले में जो आज गठबंधन टूटा है, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कहा, दीपेंद्र ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि एक और समझौता हो गया है गठबंधन तोड़ने का, तो लोगों को गुमराह करने का। क्योंकि इस 5 साल में हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है, कोई जनहित का काम कार्य नहीं किया, तो उसपे ये अपनी एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं। और आज जो हुआ, क्योंकि गठबंधन हुआ ये मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत बने, आज दोनों गए, चीफ मिनिस्टर से उन्होंने रिजाइन किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी गए। तो इसका मतलब चुनाव के ठीक समय पहले वो अपनी स्वयं चुनावी हार मान चुके हैं, मॉरली डिफीट हो चुके हैं, नैतिकता के तौर पे इस पार्टी को कुछ भी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि तुरंत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और चुनाव में चले जाना। आप चाहते हैं सर कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा के विधानसभा राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, चुनाव में जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन हो जाए वो तो मर्जी है, पहले कराए बात करें उसका कोई नहीं, हम तैयार हैं। लेकिन ये मौजूदा सरकार जो है अपना मॉरल वो खो चुकी है। उड़ा साहब आपको क्या लगता है खट्टर साहब को क्यों जाना पड़ा? मैं बता चुका हूँ, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। जो गठबंधन था वो कोई पॉलिसीज पे आधारित नहीं था। और आज इन्होंने 5 साल में जो हुआ है, बाई इलेक्शन में भी हम जीते हैं, हर वर्ग चाहे वो किसान है, 750 किसान जो है यहाँ हरियाणा में उनकी मौत हुई, MSP की बात जो वायदे इन्होंने किए थे घोषणा पत्र में कोई भी पूरा नहीं किया गया। जेजेपी ने कहा कि 5100 रुपए पेंशन करेंगे बुजुर्गों की जब हम समझौता करेंगे, कोई वो नहीं हुआ। तो इस किस्म से कोई भी एक भी घोषणा पत्र लागू नहीं हुआ इनका। तो आज सिर्फ अपने एंटी इनकम्बेंसी को बचाने के लिए और लोगों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए ये है इनकी मिली भगत है और लोग इस बात को समझ चुके हैं। सर ओबीसी चेहरा है वो एक, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उन पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस भी ओबीसी? देखिए चेहरे सबके है, ओबीसी चेहरा है अच्छी बात है, लेकिन कास्ट कंसेंसस नहीं करते, ये कंसेंसस तो नहीं मान रहे। अगर यही सबके इतनी है तो कास्ट सेंसिस क्यों नहीं करते ये? ये सब पता लग जाएगा। ये तो पार्टी के अध्यक्ष भी थे, कोई नई बात थोड़ी। हाँ वो तो प्रजातंत्र में तो सबका अधिकार है, कांग्रेस पार्टी सबके साथ है, लेकिन इनका तो ये साफ ही पर्दाफाश हुआ है। भाई ये क्लेम करते हैं तो कास्ट सेंसिस क्यों नहीं करते? साहब ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे कि तमाम बीजेपी के विधायक आप कह रहे हैं कि जिस तरह से गठबंधन टूटा काफी नाराज कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी में भी थी इस गठबंधन को लेकर, तो क्या बीजेपी के कुछ विधायक आपके टच में हैं? आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, नैतिक आधार खो चुके, क्या संख्या बल भी नहीं है बीजेपी के पास? देखिए संख्या बल का मैं नहीं कहता हूँ, संख्या बल की बात जो नहीं, मॉरल अथॉरिटी वो खो चुके हैं बीजेपी के विधायक टच में आपके? ये तो राजनीति में कौन किसके टच में है इस बात की तो कोई चर्चा नहीं, लेकिन जहाँ तक सवाल इस बात का उनसे कोई मतलब नहीं है, मॉरल अथॉरिटी ये खो चुके। सर दोबारा चुनाव करवाने की क्या आपके चुनाव? मैंने कहा ना चुनाव तो होंगे अक्टूबर में हो जाएंगे, वैसे तो हमारे ड्यू है, लेकिन अब यही है कि राष्ट्रपति शासन किया जाए, इनका कोई मॉरल राइट नहीं रहा। सर आपने कहा समझौता हुआ है एक घोषित समझौते को तोड़ने का, पहले जैसे क्या आपको लगता है फ्रेंडली फाइट जेजेपी और बीजेपी करेंगे लोकसभा में? ये यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये मैंने तो पहले ही कह दिया था, आज नहीं पब्लिक स्पीच में कह दिया था, जितेंद्र ने भी कहा मैंने भी कहा
कि भी एक समझौता हो चुका है गठबंधन तोड़ने का। गठबंधन तो था ही नहीं, तो ठग बंधन था, लोग समझ गए। देखो जब हरियाणा में 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में जो 2024 में सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, और यही कारण है जब ये अब ये कर रहे हैं। ये हो गया मुख्यमंत्री के तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो था मनोहर सरकार के खिलाफ, अब उसको एड्रेस करेंगे। समीकरण बदल गए हैं चुनावी समीकरण। कहाँ समीकरण बदल गए? ये पार्टी के अध्यक्ष थे, ये भी तो सत्ता में थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। ये तो जो 5 साल में जो हर वर्ग इनसे विमुख हो चुका है उसको देख के इन्होंने कोशिश की है। ये तो जैसे ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने ही करते हैं, ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश ऐसे करते हैं। एक डॉक्टर था, कुर्सी रख के बैठ गया कि दर्द दांत के दर्द का लाजमी इलाज नहीं होगा तो जुर्माना। था कुछ नहीं, ना जमूरा उसके पास ना कुछ। एक आया, उन्होंने जी मेरी जाड़ में दर्द है, वो बोला बैठ जाओ कुर्सी पे। 2 शीशी रखी थी उसके पास, और शीशी में पानी मिर्चों वाला पानी रख सकता था, वो बोला बैठ जाओ। आंख में वो डाल दी और मिर्चों का पानी, वो बोला ओहो आंख मेरी आंख, बोला जाड़ का दर्द, डॉक्टर बोला जाड़, बोला छोड़ो जाड़ की दर्द को, मेरी आंख बचाओ। ये तो ये काम करते हैं, जब हरियाणा को बर्बाद कर दिया, अब लोग समझते हैं इस बात को। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी हरियाणा सरकार की, अभी गए थे वो, शाबाशी दी थी। मैं उनकी पार्टी के थे, वो तारीफ ही करेंगे। 24 घंटे वो प्रधानमंत्री जी ये कैसे कहते कि 5 साल इन्होंने हरियाणा बर्बाद कर दिया।